आई वुड टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत न्यू चैप्टर है, अभी प्रीपोजिशन का चैप्टर समाप्त हुआ है, उसके आगे न्यू चैप्टर है टेंसेस, द फॉर्म एंड यूज ऑफ द वर्ब्स। इसके अंतर्गत टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, द टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इंडिकेट टाइम, टू इंडिकेट टाइम इज कॉल्ड टेंस। अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंस, समय के अनुसार टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, नंबर फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। मेन पॉइंट्स ऑफ द टेंस, देयर इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब टू शो प्रेजेंट एंड पास्ट, बट नो फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन फ्यूचर टेंस, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब टू शो प्रेजेंट एंड पास्ट, देयर इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, प्रेजेंट में और पास्ट में फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, लेकिन फ्यूचर टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नॉट यूज्ड। फ्यूचर टेंस इज कम्युनिकेट विद द एक्जिलरी वर्ब, एक्जिलरी वर्ब से फ्यूचर टेंस कंप्लीट किया जाता है, और प्रेजेंट और पास्ट टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, जिसका एक मैंने चार्ट बनाया है, फॉर्म ए वर्ब फॉर्म इन टेंसेस। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट टेंस, इफ द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, इफ द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यस या यस और यस विल बी एडेड विद द बेस ऑफ द वर्ब। सेकेंड पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज इन द टेंस इफ द सेंटेंस इज इन निगेटिव और इंटरगेटिव, द फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज इन फ्यूचर टेंस, ऑग्जिलरी वर्ब विल बी यूज टू मेक अ फ्यूचर सिंपल। ऑग्जिलरी कौन कौन सी होती है बताया गया है, ऑग्जिलरी वर्ब देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑग्जिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑग्जिलरीज और मॉडर्न ऑग्जिलरीज, तो मॉडर्न ऑग्जिलरीज विल बी यूज इन फ्यूचर टेंस शैल एंड विल। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट विल बी यूज एज ए मॉडर्न ऑग्जिलरीज, एंड इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन शैल विल बी यूज इन द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज ए वर्ब एंड आईएमपी फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज इन द टेंस। इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस, वाज एंड वर्ब, वाज एंड वर्ब इज द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द आईएमपी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्यूचर कंटीन्यूअस विल एंड शैल प्लस बी प्लस आईएमपी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से मैंने ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस मैंने बताया। इसके बाद परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आगे भी हैज और हैव की फॉर्म होगी, अर्थात हैज और हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इसमें भी हैज की फॉर्म होगी, हैव की फॉर्म होती है, इसमें केवल है
उसके बाद है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Should we get by you? Okay, that's all.